Good morning, students. In previous class, we discussed about dosing tables. Or dosing tables में हमने कल की class में students 2 से 10 के dosing tables find out किए थे. आज का जो आपका topic है, इसमें हम students आगे जो dosing tables आपके आएंगे, like 11 to 15 और 11 to 20, तो हम इन numbers के आज dosing tables find out करेंगे. तो आज का जो हमारा topic है, इसमें हम tables write down करने वाले हैं 11 to dosing tables write down करेंगे in between 11 to 15. So first of all you write down the topic dosing tables and mention 11 to 15. अब देखिए 11 का table, you all know table of 11. 11 कौन सा 11 है? 11 कौन सा 22. तो आपको सबको 11 का table आता है. हमने previous classes में भी पढ़ा है. अब देखिए students dosing में क्या होता है? हम बीच बीच में से कल भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि dosing में सब क्या करते हैं, जब कभी टेबल्स बीच बीच में से आपसे पूछे जाते हैं बीच के नंबर्स को, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर dosing टेबल लाइन होना चाहिए. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 11. हम 11 से 15 इनके बिटवीन आने वाले कोई भी टेबल राइट डाउन कर सकते हैं किसी भी नंबर का. ठीक है, लाइक हमने स्टार्ट कर दिया 12. ओके, 12 को मल्टीप्लाई बाय 3. हम 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीन्स 12 का टेबल 3 टाइम. 12 3 सा कितना होता है? 36. ओके, नेक्स्ट इज 11 5 सा. व्हाट इज 11 5 सा? 55. ओके, नेक्स्ट 30 2 सा 26. ओके, यहां पर मैं 213 सा लिखूंगी तो क्या ये आंसर सेम आएगा बच्चों? कल की क्लास में आपको ये चीज भी मैंने बताई थी कि जब हम किसी नंबर को अपोजिट राइट करते हैं तो अपोजिट राइट करने पे भी उसके प्रोडक्ट सेम होंगे. जैसे यहाँ 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो 26 आ गया. अब यदि इसी को मैं 2 को 13 से कर दूँ, यानी 2 को मैं पहले राइट कर दूँ और 13 को बाद में, तो मेरे आंसर में कोई चेंज आएगा क्या? नो, इट नॉट बी चेंज. ये चेंज नहीं होगा. क्या एज इज आपका 213 का मतलब कितना होता है? 26 ही होता है. तो आपको स्टूडेंट्स अपोजिट मल्टीप्लिकेशन जब भी आप इनवर्ट करें तो ये चीज भी आपको क्लियर होनी जरूरी. नेक्स्ट इज 52 सा. व्हाट इज 52 सा? 30. वेरी गुड. नेक्स्ट इज 43 सा. 43 सा 42. ओके, नेक्स्ट इज 11 6 सा 66. 11 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आंसर आपका? 66. नेक्स्ट देखिए इसी के बाद हम 6 11 सा. मैं 6 को 11 से करूंगी तब भी आंसर क्या आएगा? 66. ओके, तो हमें ये कांसेप्ट बिल्कुल पता होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि इनके नंबर्स तो हमारे सेम है, यहाँ पर कोई नंबर चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ इनको लिखने का सीक्वेंस हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया. तो जब हमने सीक्वेंस चेंज कर दिया तो लेकिन हमारे आंसर में तब भी कोई चेंज नहीं आएगा. ओके, नेक्स्ट इज नाउ 58 सा. व्हाट इज 58 सा? 120. वेरी गुड. नाउ 49 सा. व्हाट इज 49 सा? 126. ओके, नेक्स्ट इज 11 4 सा. क्या होता है 11 4 सा? 44. ओके, नेक्स्ट इज कोई भी टेबल बीच में से 12 2 सा. व्हाट इज 12 2 सा? 24. ठीक है, अब इसके बाद 36 सा. व्हाट इज 36 सा? देखिए 13 का टेबल सबको आता है. 13 1 सा 13, 13 2 सा 26, 33 सा 39, 34 सा 52, 35 सा 65. और 36 सा कितना होगा? 78. अब हम यहाँ पे 6 को 13 से करके देखें तो ये भी हमारा क्या होगा? 78 ही होगा. ओके, तो इसमें कोई आंसर में चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने सेम नंबर्स को ही मल्टीप्लाई किया है. ओके, अब हम इसके कुछ आगे भी टेबल्स फाइंड आउट कर सकते हैं. हमने
Next, 12th exam. 12th exam, 72. अब देखिए यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए. 77. Next is 14th exam. क्या होगा बच्चों? 42. Next, come to the next. 15th exam. 45. Next is 11th exam. What is 11th exam? 99. Next, 15th exam. कितना होता है? 150. तो students, these known as dosing tables. Okay? इन सभी को हम क्या बोलेंगे? Dosing tables. अब आपका work क्या है? आपको घर पे 11 to 15 tables क्या करने हैं? So today's topic we have completed.